एवरीवन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे एक मतलब व्लॉग करने का मन है। सो सबसे पहले क्या है कि पता नहीं क्यों आज संडे है ना, तो संडे है और ऐसे भी मैं 8 बजे करीब उठती थी, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया, मतलब 10 बज गया। ऐसा नहीं था कि जल्दी नहीं सोए थे, फिर भी हो गया। अब क्या करें, लोड नहीं है अभी तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, जितनी मर्जी उतनी सो लो। अब क्या है कि आज संडे है तो दीदी का ज़्यादा ऑफिस में, एक मिनट, सॉरी, इट्स सैटरडे। ओके, तो अभी मैं ब्रश करूँगी, उसके बाद सबसे पहले बात, आज ब्रश करने में भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मुझे उठते ही एक वीडियो बनाना था और मणिपुर में एग्ज़ाम जो था वो मतलब शिफ्ट होकर दिया गया था उनका सेंटर, और एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस किया गया था, तो उसका एक वीडियो बनाना था। और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ, वो बना ली, तो वो बनाते हुए थोड़ा सा मुझे एडिट करने और पोस्ट करने में और थंबनेल्स लगाने ये सब में लेट हो जाता है, तो मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ, जल्दी से ब्रश करूँगी, ब्रश करने के बाद मैं कुछ खाऊँगी और फिर करीब 3 बजे के लिए मैं निकल लूँगी घर से बाहर। आज मैं और मेरी दीदी, मतलब मेरी दीदी जाने ऑफिस जाने से पहले बोली कि आ जाना उधर घूमते हैं थोड़ा, तो आपको आगे मिलेगा देखने को कि हम साथ में क्या क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए भी पता नहीं क्या सरप्राइज ही है, कहाँ जाते हैं पता। सो गाइस, मैं ब्रश करने के बाद सोची नहा लेती हूँ और गेट रेडी विथ मी भी सूट कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं शाम को निकलूँगी क्योंकि ठीक है। तो जब मैं शाम को, क्या हुआ, सच में मेरे साथ सरप्राइज़ हो गया, जब मैं दीदी को कॉल करी कि हाँ मैं पूछने वाली कॉल करने के लिए मैं पूछने वाली थी कि मैं कहाँ हूँ, तो दीदी बोलती है मैं आ चुकी हूँ शॉपिंग करने। तो फिर मैं डिसाइड की कि अब क्या करना है ऐसे टाइम पे, क्योंकि मैं जाऊँगी नहीं उतना दूर, है ना ऑलरेडी। तो फिर मैं, मेरे को सामने में बस एक गुपचुप का दुकान दिखा, तो मैं गुपचुप खाने लग गई। सोची कि अब गुपचुप खाने के बाद बगल में एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ना पार्क है, तो मैं सोची कि चलो पार्क होके आ जाती हूँ। वहाँ पे मैं गई तो इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, मतलब, और उसके बाद बहुत सारे, मतलब सारे एज के लोग बैठे हुए थे, बहुत काफ़ी फ़न कर रहे थे, सैटरडे था तो और भी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो उसके बाद मेरे को अकेले जो भी मन किया, मतलब थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है गाइस, क्योंकि अभी मैं सबसे ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने पूरे ड्रॉप ईयर में बहुत रोना धोना, मतलब मेरा रहता था, बहुत ही गंदा फील होता था, बहुत ज़्यादा मेरे को डिप्रेशन रहता था, और ये सब चीज़ें जो होता है ना वो एक ड्रॉपर ही समझ सकता है कि कितना दुख होता है ड्रॉप ईयर में। ना आप ढंग से पढ़ पाते हो, ना आपका चीज़ों पर फोकस होता है, और पढ़ाई कर भी लेते हैं फिर भी उसके बाद सेटिस्फेक्शन नहीं होता, बहुत ज़्यादा फियर होता है कि मेरा इस बार होगा नहीं होगा क्या होगा। सो ये सब चीज़ें होती थी। तो अब इस बार मैं, मतलब लिटरली बताऊँ तो बहुत 2-3 साल बाद मेरे को अच्छा फील हो रहा है कि हाँ चलो, मतलब अपने मन का कर रही हूँ जो मेरा मन करता है। सो गाइज, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी ना कि जो चीज़ें, जो ऊपर वाला होता है ना, वो सबके साथ अच्छा करने के लिए बैठा हुआ है। सो पता है, कभी भी डिमोटिवेशन फील ना करें आप, कभी भी छोटा फील ना करें आप, अगर मेहनत कर रहे हैं ना तो सही टाइम पे आपको ऊपर वाला ज़रूर देगा। और अगर कुछ चीज़ें आपकी किस्मत में नहीं है, ठीक है ना, तो फिर खुद से फाइट करके, खुद से मेहनत करके उसको अपने हिस्से में करना होता है, उसको अपनी किस्मत में करना होता है। बोलते हैं ना कि जब अगर तुम्हारे हाथ में अगर किसी चीज़ का लकीर नहीं है ना, तो उसको इतना मेहनत करो ना कि तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हारे हाथों में लकीर बन जाए। सो आप अगर जी जान मेहनत कर रहे हो, जी जान से मेहनत कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिल जाएगा गाइस, ज़रूर। बस खाली क्या रखना है आपको, धैर्य अपने अंदर, और दूसरा खुद पे बिलीव करना है, क्योंकि दुनिया नहीं आने वाली आपके ऊपर विश्वास करने के लिए, और ना ही आपको दुनिया को दिखाना है कि आप कितने वो हो, क्या कर सकते हो। वो सही टाइम आने पे ना लोग समझ लेते हैं और लोगों को पता चल जाता है। सो इसलिए हमेशा हमेशा खुद पे ध्यान दो और खुद के बारे में सोचो, हमेशा एकदम अपने आप को पॉजिटिव रखो और इम्प्रूवमेंट की ओर लेके जाओ। बात ये है कि हमेशा इंसान पॉजिटिव नहीं रहता है, बहुत टाइम पे नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन फिर उठना और फिर लड़ना और फिर सोचना यार हम तो करके ही रहेंगे, तब ये ज़रूर हो जाता है। और
और अगर याद रखना, पता है कब आपको अच्छा होने लग जाता है आपके साथ, जब आपको एक्सपेक्टेड, मतलब ऊपर वाला कितना दुख दे सकता है जब आप अपने लेवल से मेहनत कर रहे हो, तो जब इंसान को लगने लग जाता है ना कि इसके आगे कुछ रास्ता है ही नहीं, अब इसके आगे कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, बिल्कुल एकदम डाउन हो जाता है इंसान, टूट चुका था ना, तब ऊपर वाला एकदम से एक किरण दिखाता है। याद रखना, अगर इतना बुरा हो रहा है आपके साथ, तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होने वाला है। मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहा है कि दीदी अपना स्कोर बताओ, ये सब तो ठीक है बट आप अपना स्कोर बताओ, एक्सपेक्टेड स्कोर क्या है आपका, दीदी आप कॉलेज जा रहे हो कि नहीं इस वर्ष, ये सब सवाल पूछ रहे हैं। क्या आप BHMS अपना कोर्स छोड़ दोगे या फिर ऐसे कर करके, मतलब बहुत सारे कमेंट हैं ना भरे हुए हैं। तो गाइज, मेरा भी मन है कि मैं अपना एक्सपेक्टेड स्कोर का एक पर्सनल वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी मैं बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पता है जो फाइनल रिजल्ट होता है ना, उसमें थोड़ा सा कोई कुछ 5 से 10 नंबर का फ्लैक्चुएशंस हो जाता है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा और मैं नहीं बता सकती इसलिए। और दूसरा कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप ड्रॉप लेने वाली हो, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अब नो मोर ड्रॉप्स, अब कोई भी ड्रॉप नहीं लूँगी, जो भी कॉलेज मिलेगा उसके साथ कंटिन्यू करूँगी और अपना मतलब कि स्टडी पे फोकस करूँगी और यूट्यूबिंग में।